हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की ये क्लास आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम कौन से टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे ऑटोमेशन के बारे में, जानेंगे कि ऑटोमेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आज का ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ऑटोमेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करें, और आज तक आपको ऑटोमेशन क्या होता है समझ में नहीं आया है तो आज मैं आपको यहाँ पर एकदम बेसिक लेवल से और काफ़ी आसानी से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच ज़रूर करें, जिससे आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। जो भी दोस्त आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वे भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छी और परफेक्ट बना सके। तो चलिए गाइस, समझते हैं ऑटोमेशन क्या होता है। बात करें आपकी ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ऑटोमेटिक और दूसरा ऑपरेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी इसमें आपके ऑपरेशंस होंगे वो आपके ऑटोमेटिक तरीके से होंगे, ठीक है। ऑटोमेशन का अर्थ होता है स्वचालन। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें किसी मशीन को फुली ऑटोमेटिक बनाया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हम प्रयोग करके किसी मशीन को ऑटोमेटिक बना सकते हैं, और वो मशीन हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम पर ऑटोमेटिक तरीके से वहाँ पर कार्य करती है। आसान भाषा में बताया जाए तो ये एक लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें किसी भी काम को करने के लिए कम से कम लोगों की आवश्यकता होती है। आई थिंक आपको ऑटोमेशन क्या होता है इसका बेसिक एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी में गिफ्ट पैकिंग होती है, उदाहरण ध्यान से सुनिए जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि किसी कंपनी में गिफ्ट पैकिंग होती है, और अगर हम गिफ्ट पैक करने के लिए वहाँ पर वर्कर्स को रखते हैं तो उससे हमारा समय भी ज़्यादा लगेगा, गलतियों की जो गुंजाइश है वो भी ज़्यादा होगी, और वर्कर्स को भी हमें सैलरी ज़्यादा हो देनी होगी। लेकिन अगर हम इसी काम को करने के लिए वर्कर्स की जगह मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो समय की काफ़ी बचत होती है और गलतियां भी नहीं होती हैं, और ना ही हमें ज़्यादा पैसे देने होते हैं। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेशन क्या होता है, आपको इसका बेसिक क्लियर हो गया होगा। यदि आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो आप इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे, मैंने सारी या चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। आइए इसको भी हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर आधारित जो डिवाइसेस होती हैं उनका उपयोग करके मशीनों को चलाया जाता है। यानी कि ऑटोमेशन में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, और कंप्यूटर आधारित जो भी आपके कंपोनेंट होते हैं इनका इस्तेमाल करके मशीनों को हम ऑटोमेटिक तरीके से चलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के जरिए किसी बार बार होने वाले काम को आसान बनाया जा सकता है, ठीक है।
अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आखिर ऑटोमेशन क्या होता है। यहाँ पर बार बार होने का क्या मतलब है कि वहाँ पर जब एक ही कार्य एक से अधिक बार करना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक या ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ऑटोमेशन के टाइप्स यानी कि टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन कितने प्रकार के होते हैं। बात करें आपकी ऑटोमेशन के टाइप्स की तो ऑटोमेशन जो है आपका तीन प्रकार का होता है, यानी कि ऑटोमेशन को यहाँ पर तीन प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए इसको भी हम समझते हैं। बात करें आपके टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन की तो ऑटोमेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला फिक्स्ड ऑटोमेशन, दूसरा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, तीसरा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ से आपका लगभग 99% हर बार 1-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ऑटोमेशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए इसके टाइप्स के साथ, या कभी कभी आपसे 2 नंबर में इस पर शॉर्ट नोट लिखने को पूछ लेता है कि फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट लिख लिए, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन क्या होते हैं और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, और यहाँ तक आए हैं आपको ऑटोमेशन समझ में आया है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए गाइज इसको भी समझ लेते हैं कि ऑटोमेशन के तीन टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं। चलिए समझते हैं पहले फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या होता है। आपको नाम से ही कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा, फिक्स्ड का मतलब होता है स्थिर। चलिए समझते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या होता है। इसके अंतर्गत यानी कि फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, यानी कि फिक्स्ड ऑटोमेशन ऐसे ऑटोमेशन होते हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो आपका फिक्स रहता है। फिक्स का क्या मतलब है इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए माना मैंने कि अगर किसी कंपनी में सिर्फ बल्ब ही बनते हैं तो उसे हम फिक्स्ड ऑटोमेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब है अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मान लीजिए कि कोई आपकी ये फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री में केवल बल्ब ही बनते हैं तो ये फिक्स्ड हो गया। फिक्स्ड का मतलब है कि आप यहाँ पर बल्ब के सिवा कुछ दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन इसे क्यों कहा गया है। इसमें इक्विपमेंट्स की वैल्यू बदली नहीं होती, यानी कि जो इसमें मान लीजिए जो आपके बल्ब बनाने के लिए जो आपके इक्विपमेंट्स लग रहे हैं उनकी जो वैल्यू है वो बदलती नहीं है, और ना ही हम उसमें यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट्स को बदलते हैं। फिक्स्ड ऑटोमेशन में प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन रेट ज़्यादा का होने का क्या मतलब है कि आपके पास एक ही फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में आप कंटिन्यू वहाँ पर बल्ब बनाने का कार्य कर रहे हैं। जब आपके पास एक ही कार है, एक ही तरीके का आप कार्य करते जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन रेट होगा वो ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन रेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में बनाई जा रही है, और या इनफ्लेक्सिबल होता है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि आप यहाँ पर बल्ब बना रहे हैं तो आप सिर्फ बल्ब ही बनाएंगे, बल्ब के सिवा आप दूसरी कोई भी चीज़ यहाँ पर बना नहीं सकते हैं। और यह जो है यानी कि जो आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन है इसका अधिकतर इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे किया जाता है कि मान लीजिए कि कहीं पर आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पहिए का निर्माण हो रहा है तो वो आपका इंडस्ट्री क्या है, केवल पहिए का निर्माण करेगा। कहीं पर आपका एक्सल बन रहा है तो वो आपका जो फैक्ट्री है वो आपकी क्या है, एक्सल का ही निर्माण करेगी। तो ऑटोमेशन जो आपकी फिक्स्ड ऑटोमेशन होता है इसका उपयोग अधिकतर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका आता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, कुछ आइडिया लगा होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑटोमेशन होगा वो प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से किया जाएगा। आइए समझते हैं
प्रोग्राम ऑटोमेशन क्या होता है? प्रोग्राम ऑटोमेशन के अंतर्गत ऑपरेशन के इक्विपमेंट्स को हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह होता है कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसी के हिसाब से हम मशीनों में जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं और हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के अनुसार वो मशीनें वहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से वर्क करती हैं। और बात करें आपके प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में, तो इसको भी अच्छे से और एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि कस्टमर के हिसाब से ऑटोमेशन बनाते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि कोई कस्टमर आता है, उसने कहा कि हमें बल्ब भैया हमें 50 बल्ब चाहिए। कोई आता है उसने कहा कि हमें 50 हीटर चाहिए। इसका क्या मतलब है कि इसमें हम कस्टमर की मांग के अनुसार अलग अलग तरीके का यहाँ पर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए और अच्छे से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हम कस्टमर के हिसाब से ऑटोमेशन बनाते हैं। इसमें जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है वो फिक्स्ड ऑटोमेशन की तुलना में फ्लेक्सिबल होता है। फिक्स्ड ऑटोमेशन में क्या था कि वहाँ पर हम एक ही प्रकार के प्रोडक्ट का डिज़ाइन कर पा रहे थे, लेकिन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या होता है कि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। यानी कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका कोई कस्टमर आया, उसने कहा हमें 50 बल्ब बना कर दीजिए। आपके पास दूसरा कस्टमर आता है, वो बोलता है कि हमें 50 हीटर चाहिए, तो आप यहाँ पर बल्ब का भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और हीटर का भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बात करें तो इसका प्रोडक्शन रेट कम होता है क्योंकि हम इसमें अपने कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यह फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की तुलना में कम फ्लेक्सिबल होता है। अभी आप फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है। बात करें आपकी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की, तो आपका ये नाम से ही क्लियर है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। अब यहाँ पर लचीला का क्या मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक ही मशीन से या एक ही इंडस्ट्री में एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है। इसके अंतर्गत हम ऑपरेशन में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स को भी बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए अभी मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया था कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई कस्टमर आता है, आपसे कहा कि हमें बल्ब चाहिए, तो बल्ब बनाने के लिए जो आपने इक्विपमेंट्स लगाए वो तो ठीक है, और वहीं पर एक आपके लिए आपके पास एक और कस्टमर आता है, उसने कहा हमें तो ऑटोमोबाइल के लिए यानी कि हमें अपनी कार के लिए प्रोपेलर शाफ्ट बनानी है, तो आपको यहाँ पर बल्ब बनाने में जो यूज़ होने वाले हैं इक्विपमेंट्स हैं उनसे तो आप इसकी प्रोपेलर शाफ्ट नहीं बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसीलिए वहाँ पर लिखा गया है कि इसके अंतर्गत हम ऑपरेशन में यूज होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बदल सकते हैं। जिस इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार के आपको प्रोडक्ट बनाने होते हैं, आई थिंक आपको जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उससे यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होता क्या है। इसके अंतर्गत हम इक्विपमेंट्स को बदल भी सकते हैं और इक्विपमेंट्स के प्रोग्राम को भी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। जिस इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को बनाना होता है वहाँ पर हम अधिकतर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। यानी कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उस इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को वहाँ पर बना सकें। या इसमें आप एक प्रकार इसमें और ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर हम डिफरेंट डिज़ाइन की चीज़ों को हम यहाँ पर बना सकते हैं। इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर किसी कस्टमर ने कहा कि हमें इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, डिफरेंट तरह के डिज़ाइन चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक टूल को हम बदल सकते हैं और
सारा काम वहाँ पर हम बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम रहती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक रहता है कि इसमें हमें जो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होता है इसके लिए हमें ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। आई थिंक आपको तीनों पार्ट बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। आइए अब समझते हैं ऑटोमेशन के फ़ायदे क्या होते हैं। बात करें आपके ऑटोमेशन के एडवांटेज की या इसी को हम फ़ायदे कहते हैं, तो इसका पहला एडवांटेज ये होता है, चाहे तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, कि ऑटोमेशन की सहायता से कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि बिना गलती के ज़्यादा सटीक काम किया जा सकता है। तीसरा इसका एडवांटेज होता है कि इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। चौथा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। और पांचवा इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एडवांटेज होता है कि इसमें वर्कर की सेफ्टी भी बहुत अधिक होती है। अब वर्कर की सेफ्टी का मतलब है कि आपने एक बार प्रोग्राम बना दिया तो आपको मशीन के पास खड़े होने की आवश्यकता नहीं, आप दूर से ही उस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसके समझ लेते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ होती है तो उसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो आइए समझते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि बेरोज़गारी बढ़ती है। आदमियों के स्थान पर जब मशीनों का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि ऑटोमेशन सेटअप इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है, ज़्यादा हमें वहाँ पर मनी की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसमें मेंटेनेंस बार बार करना पड़ता है। चौथा, प्रदूषण बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऑटोमेशन का उपयोग किया जाता है, नोट कर लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दूसरा आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री में इसका तो अधिकतर ही उपयोग किया जाता है। तीसरा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका उपयोग करते हैं, मिलिट्री डिफेंस में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जितने भी आपके इंडस्ट्री होती हैं इनमें बहुतायत मात्रा में आपका ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या आपका टाइम कम लगता है, आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये इसके प्रयोग करने के कारण है। तो आज का ये सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा? मेरे द्वारा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया हर एक टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी दोस्त आपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। आपको, आपके लिए मैं बता दूँ कि यूट्यूब पर आपके लिए बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर वाइज, आपको टॉपिक वाइज केवल इसी चैनल पर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो आपका, आपसे फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और अभी तक आपने मॉडल पेपर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले आप मॉडल पेपर्स में मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तब तक आप मस्त रहें, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू आप सभी का। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।